Hello students, this is me Aisha, your SST teacher, and today I will continue first chapter Democracy and Equality. Now students, listen carefully. In a monarchy, a monarch alone decides how much freedom to give the people. जो monarchy होती है, एक तंत्र या राजतंत्र, उसमें जो monarch होता है, शासक जो है, वह यह डिसाइड करता है कि लोगों को, प्रजा को जो है वो कितनी जो है आज़ादी देनी है. इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हाउएवर द मोनार्च शेयर्स पावर विद द पीपल. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक मोनार्ची होती है, उसमें जो मोनार्च होता है वो अपनी शक्ति को जनता के साथ बांटता है. डिक्टेटरशिप तानाशाही. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू रूल रेस्ट्स विद वन पर्सन आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. तानाशाही जो ये गवर्नमेंट होती है, तानाशाही फॉर्म की, इसमें क्या होता है कि जो शक्ति होती है वो किसी एक व्यक्ति में या फिर कुछ लोगों के समूह में ही सीमित रहती है. सच पावर इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड फोर्सिबली. और इस तरह की जो शासन होता है वो हमारे ऊपर बलपूर्वक ही जो है वो लगाया जाता है. अ डिक्टेटर यूजुअली टेक्स अवे मच ऑफ द पीपल्स फ्रीडम. जो तानाशाह होता है वो ज़्यादा जो प्रजा होती है उसकी अधिकतर जो फ्रीडम है वो उसको छीन लेता है. दोज हु डेयर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट आर सेवरली पनिश्ड. और जो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को सज़ा दी जाती है. डेमोक्रेसी गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू द पीपल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट अफेक्ट्स देम. जो प्रजातंत्र होता है उसमें प्रजा को अधिक से अधिक जो है वो आज़ादी मिली होती है उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की जो कि उन पर प्रभाव डाल सकती है. इट इवन अलाउस द पीपल टू चेंज गवर्नमेंट दैट कैन नॉट सेटिस्फाई देम. इन यहाँ तक कि ये जो है जनता को इतनी शक्ति देती है कि वह उस सरकार को बदल सके जो उनको संतुष्ट नहीं कर रही है. विच इज़ नॉट यूजली पॉसिबल इन अ मोनार्ची और डिक्टेटरशिप. जो कि मोनार्ची में या डिक्टेटरशिप में संभव नहीं होता है. इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. प्रजातंत्र में समानता. इट इज़ ऑफन सेड दैट देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वालिटी. प्रायः ऐसा कहा जाता है कि बिना समानता के कोई भी प्रजातंत्र नहीं हो सकता है. हेंस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल सिटीजन्स आर गिवन इक्वल राइट्स टू एट लीस्ट फॉर्मली. जितनी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ के सभी नागरिकों को समान जो है अधिकार दिए गए हैं. द लॉज आर यूजली द सेम फॉर ऑल सिटीजन एंड द रूल ऑफ लॉ इंश्योर्स नोबडी नॉट इवन अ गवर्नमेंट इज़ अबव द लॉ. और इस बात को निश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार भी, वो कानून से ऊपर नहीं है. इन मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में मोनार्ची इंक्लूड गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स टू गेट एजुकेशन अर्न अ लिविंग यूज पब्लिक फैसिलिटीज एंड सो ऑन. और अधिकतर जो है प्रजातांत्रिक देश में जो वहाँ के लोग हैं उनको समान अवसर दिए जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपनी जो है रोज़गार को प्राप्त करने के लिए, अर्निंग के लिए, और दूसरी सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए. इन दिस कंट्रीज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, वेल्थ एक्सेट्रा इज़ डिसकरेज्ड. और इस तरह के देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो भेदभाव है, चाहे वो प्रजाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, या महिला पुरुष होने के आधार पर हो, उसे समाप्त कर दिया जाता है. द गवर्नमेंट ऑफन टेक्स स्टेप टू रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ सो ऑल द सिटीजन कैन लिव विद डिग्निटी. और जो सरकार होती है वो इस प्रकार से कार्य करती है कि जो आर्थिक और सामाजिक इनक्वालिटी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए और सभी नागरिक एक साथ, एक समान डिग्निटी के साथ रह सके. इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी. समानता और भारतीय प्रजातंत्र. देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत एक प्रजातांत्रिक देश है. वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. हैंस एवरी सिटीजन कैन वोट नो मैटर व्हाट हिज आर हर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, वेल्थ, सेक्स आर लेवल ऑफ एजुकेशन में भी. हमारे यहाँ जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है. मीन्स की जो है कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसकी भाषा कुछ भी हो, वो कि महिला हो, पुरुष हो, उसका एजुकेशन का लेवल कुछ भी हो, उसे जो है वोट डालने का अधिकार सबको एक समान है. मोर एवर एवरी पर्सन्स वोट कैरीज इक्वल वेट रिगार्डलेस ऑफ हिज आर हर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. और कि कोई भी व्यक्ति, उसका इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन उनके वोट एक समान अधिकार के होते हैं. उनके वोट में कोई फ़र्क नहीं हो.